गुड इवनिंग टू एवरी वन आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ जनरल तो फर्स्ट है हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग होते हैं कितने रिंग होते हैं फाइव आंसर इज बी ओलंपिक फ्लैग में पांच रिंग होते हैं और पांच रिंगों का अलग अलग कलर होता है so, कौन सा कलर होता है रेड ब्लैक ग्रीन येलो और ब्लू पांच रिंगों का पांच कलर की अलग अलग कलर की रिंगे होती है कितने रिंगे होती है पांच रिंगो होती है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ संतोष जो ट्रॉफी है किसके साथ संबंधित है किस गेम के साथ संबंधित है तो किस गेम के साथ है फुटबॉल गेम के साथ है. तो आंसर बी संतोष फुटबॉल के साथ रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये क्रिकेट रिलेटेड टर्म्स इसमें क्रिकेट के साथ संबंधित कौन सी टर्म है तो कौन सी है स्मैश स्मैश वर्ड द क्रिकेट द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गेम जो है चेस जो कहा जाता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है कहाँ से जो चेस गेम है कहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो कहाँ से कौन से कंट्री से हुए इंडिया से चेस इज ओरिनेटेड फ्राम इंडिया विद विच गेम इज द आगा खा कप एसोसिएटेड विद जो आगा हाँ कप है ये किसके साथ संबंधित है किससे जुटा हुआ है किसके साथ है हकी के साथ कप इज रिलेटेड टू हक्की विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ गोल्फ गोल्फ गेम है इसके साथ कौन सी टर्म जो है संबंधित है तो कौन सी है स्क्रैच आंसर बी बर्ड स्क्रैच इज रिलेटेड टू गोल्फ विच है फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस टूर्नामेंट है जो कराई जाती है जिसमें ग्रास कोर्ट में तो वो कौन सी टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट में कराई जाती है कौन सी है विमलंडन आंसर इज सी जो बिमलंडन है ग्रास कोर्ट में कराई जाती है तो हार्ड कोर्ट में कौन सी गेम कराई जाती है हार्ड कोर्ट में कराई जाती है ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड हार्ड कोर्ट में कराई जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन Which of द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन क्ले कोर्ट जो इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है वो क्ले कोर्ट में कराई जाती है वो कौन सी टूर्नामेंट है तो कौन सी है फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में कराई जाती है क्ले कोर्ट में टूर्नामेंट कराई जाती है तो जो क्ले कोर्ट वाली कौन सी है फ्रेंच ओपन इन विच इंटरनेशनल चैंपियनशिप थॉमस कप इज गिवन टू इंटरनेशनल चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है कौन सी गेम के लिए दिया जाता है थॉमस कप बैडमिंटन में आंसर इज सी गैम्बिट इज रिलेटेड टू बिच अमंग स्पोर्ट्स जो गैम्बिट वर्ड है जो किस गेम के साथ संबंधित है तो किसके साथ है चेस चेस में गैम वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता है द टर्म ग्रैंड मास्टर इज यूज इन विच ऑफ दीज गेम्स इन गेमों में से जो ग्रैंड मास्टर इस्तेमाल किया जाता है कौन सी गेम के लिए चेस के ले आंसर इज ए इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इज वॉलीबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में तो कितने होते हैं डी तो सेवन प्लेयर किसमें होते हैं नेटबॉल में नेटबॉल में सेवन प्लेयर होते हैं कबड्डी में सेवन प्लेयर होते हैं और वाटर पोलो में सात सात प्लेयर होते हैं और फाइव प्लेयर फाइव प्लेयर किसमें होते हैं फाइव प्लेयर बास्केटबॉल में बास्केटबॉल में कितने होते हैं फाइव प्लेयर एट प्लेयर किसमें होते हैं एट प्लेयर होते हैं जिम्नास्टिक में जिमनास्टिक में एट प्लेयर होते हैं तो इसमें हमारा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर थे सिक्स प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में द टर्म क्यू इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स द वर्ड क्यू जो टर्म है किसके साथ संबंधित है तो किसके साथ है विलियार्ड आंसर इज सी क्यू इज एसोसिएटेड विद विल्ड हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ इन द गेम ऑफ नेटबॉल नेटबॉल के ईच साइड में कितने प्लेयर होते हैं तो कितने होते हैं नेटवर्क में सेवन आंसर इज ए नाइन नाइन प्लेयर किसमें होते हैं खो खो में और बेसबॉल में अलेवेन प्लेयर किसमें होते हैं हॉकी में होते हैं क्रिकेट में, में होते हैं और फुटबॉल में ग्यारह ग्यारह प्लेयर होते हैं ईच साइड में उबर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर कप किसके गेम में दिया जाता है तो कौन सी गेम में दिया जाता है ओवर कप बैडमिंटन में आंसर इज बी वेयर इज द एनुअल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड ऑस्ट्रेलियन तो ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ करवाई जाती है वेलीवॉर्न में तो आंसर इज बी हर साल करवाई जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट the motto is, the Games में। द ओलंपिक इज़ जो ओलंपिक गेम्स है ओलंपिक गेम्स द टर्म टी इज एसोसिएटेड विद ऑफ दर्म है टी किसके साथ संबंधित है तो किसके साथ है गोल्फ है, जो वर्ड है ये गोल्फ गेम में से संबंधित है इंडियन स्पोर्ट्समैन इज नोन एज थ्रू आउट द वर्ल्ड भारत के कौन से स्पोर्ट्समैन थे वो जाने जाते थे हक्की वाजीगर पूरी दुनिया में तो कौन से ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद को हकी के नाम से हॉकी का वाजीगर, वाजीगर के नाम से जाना जाता है और इनके नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कब किया जाता है ट्वेंटी नाइन अगस्त को ऑन हिज एनिवर्सरी वेन डिड इंडिया बिकम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन जो इंडिया भारत कब बना था वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन कब बना था 1983 में आंसर इज सी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग